हेलो फ्रेंड, आई एम खुशी। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जीमेल अकाउंट में कुछ हिडन और एक्स्ट्रा फीचर्स है जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है। बट फ्रेंड, अगर आपको ये फीचर्स का नॉलेज होगा तो आप बहुत सारे काम बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम देखते हैं जीमेल के कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स बोल सकते हो, या फिर आप टिप्स एंड ट्रिक भी बोल सकते हो। और वो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, वो बहुत ही यूजफुल है हमारी लाइफ में, या फिर आप जीमेल अकाउंट यूज करते हो तो वो आपको बहुत ही बेनिफिटेड होगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड होगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने क्या किया, बट ऑब्वियस अगर मुझे जीमेल अकाउंट पे वर्क करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मेरा जीमेल को लॉग इन करके रखूंगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने क्या किया है, मेरा जीमेल अकाउंट को यहाँ पे लॉग इन करके रखा है। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फीचर्स के बारे में क्या बात करेंगे हम, वो देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता हो कि लाइक अगर आपको एक ही साथ 10 लोगों को या फिर 20 लोगों को मेल भेजना है, लाइक सेम कंटेंट सेम मैसेज अगर आपको कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को सेंड करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमारे कंपोज मेल में जाके यहाँ पे हमें बहुत सारे ईमेल आईडी टाइप करने पड़ते हैं, देन हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स लिखते हैं, फिर वो मैसेज को सेंड करते हैं। और एल्स कभी कभी आप क्या करते हो, एक एक मैसेज एक एक पर्सन को सेंड करते हो। तो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि आप एक ही साथ विदाउट ईमेल आईडी टाइप किए आप किसी एक लेबल को क्रिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ द कॉन्टैक्ट, देन आप क्या करोगे, एक ही साथ सारे मैसेजेस क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। आपको उस पर्सन का नेम या फिर उस पर्सन का जीमेल अकाउंट सर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपने क्या किया है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दिया है। तो फ्रेंड, हम देखते हैं, सबसे पहले आपको जो क्रिएट कॉन्टैक्ट करना है उसके लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कहाँ जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो भी डॉट डॉट है, अगर आपने यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको अकाउंट दिखाई दे रहा है, गूगल सर्च दिखाई दे रहा है, गूगल मैप, यूट्यूब, प्ले स्टोर, जी मेल, एंड फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, मुझे क्या करना है, कॉन्टैक्ट को क्रिएट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नो कॉन्टैक्ट क्रिएट दिखा रहा है। तो फर्स्ट मुझे क्या करना है, क्रिएट कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पे आ गया क्रिएट कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड, यहाँ से आप कोई भी फर्स्ट नेम लिख सकते हो, सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया, सपोज मैंने यहाँ पे एक पर्सन का नाम लिखा, का नाम है नेहा मिश्रा। एंड फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कुछ ईमेल आईडी लिख ली है, @gmail.com, एंड फिर मैंने इसको सेव कर दिया। तो फ्रेंड, ये हो गया, यहाँ पे अभी तक नो लेवल है क्योंकि लेवल मुझे देना है, मुझे और भी कॉन्टेक्ट उसमें क्रिएट करने हैं। देन फ्रेंड, मैंने एक और यहाँ पे कॉन्टेक्ट ले लिया, क्रिएट करके मैंने एक और कॉन्टेक्ट क्रिएट किया, एक और पर्सन का मैंने नाम ले लिया। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको मैंने सेव कर लिया। फ्रेंड, मैं एक और ईमेल आईडी ले लेती हूँ, क्रिएट कॉन्टेक्ट करके मैंने एक और ईमेल आईडी को क्या किया, यहाँ पे ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक और ईमेल आईडी क्रिएट कर दिया। तो फ्रेंड, आपने क्या देखा, यहाँ पे मैंने जो भी ईमेल आईडी क्रिएट किया इसको मैंने कोई भी एक लेबल नहीं दिया है, तो यहाँ पे मुझे क्रिएट लेबल भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक क्रिएट लेबल बना लेती हूँ, जैसे पर्सनल के हिसाब से कर लेती हूँ, यहाँ पे पर्सनल लिख देती, कोई भी आप नाम देख सकते हो। मैंने पर्सनल डाल दिया है, मैंने इसको क्या कर लिया, एक लेवल क्रिएट किया जिसका नाम है पर्सनल। मैंने देखा यहाँ पे और क्या आ गया, पर्सनल आ गया। अभी फ्रेंड, मुझे ये तीनों को पर्सनल में डालना है, बिकॉज मुझे एक ही साथ क्या करना है, मेल करना है। मैंने इनको भी ले लिया, तीन अकाउंट में लिए थे, तीनों को क्या कर दिया मैंने, यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैनेज लेवल में जाके आप इसको किसमें कर सकते हो, मैनेज लेवल मैंने किसमें इसको टैग करके रखा है, पर्सनल में।
मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई करके रख दिया। तो फ्रेंड ये तीनों मेरा किसमें चला गया है, पर्सनल में। आप देख रहे हैं पर्सनल में यहाँ पे थ्री थ्री कॉन्टैक्ट दिखा रहे हैं, तीन पर्सन के जो यहाँ पे ऑलरेडी आ गए। अब फ्रेंड हम इनको मेल करते हैं, मैं बताती हूँ इसमें मेल कैसे करेंगे। जी मेल में आ गए हम यहाँ पे, तो फ्रेंड मेल करने के लिए हमको कहाँ जाना होता है, कंपोज मेल। तो मैंने जैसे कंपोज मेल में क्लिक किया, यहाँ पे टू आ गया। अभी टू के जगह पे फ्रेंड अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला, मुझे अभी एक एक का जीमेल आईडी नहीं डालना है, जो मैंने लेबल क्रिएट किया है वही नाम मुझे डालना है वहां पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, मैंने पर्सनल डाला तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी। तो फ्रेंड देखिए आपने जैसे मैंने पी टाइप किया, यहाँ पे आ गया पर्सनल। अब यहाँ पे पर्सनल में तीन लोगों का दिखा रहा है, ऑलरेडी आ गया है। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया, मैंने जैसे ही पर्सनल डाला ऑलरेडी मैंने जो कॉन्टेक्ट यहाँ पे सेव करके रखे थे अलॉन्ग विद देयर जीमेल आईडी यहाँ पे क्या आ गया, आ गया। मुझे सब्जेक्ट लिखना है, सपोज मैं सब कुछ कुछ भी लिख देती हूँ। जस्ट टेस्टिंग के लिए था तो मैंने लिखा है टाइम पास, और एक मुझे मैसेज सेंड करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाई कर दिया। हाई करने के बाद आप देखते हो डायरेक्टली यहाँ से सेंड भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, इसमें एक और फीचर है जिसको आप शेड्यूल कर सकते हो। सपोज आपके पास बहुत सारे मैसेज हैं, जो मैसेज आपको आज नहीं कल देना है, आपको मैसेज आज नहीं कल देना है, तो आप क्या करते हो यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाके आप शेड्यूल सेंड करोगे। शायद से मैंने एक का ईमेल आईडी थोड़ा सा रॉन्ग बता रहे हैं, तो उसको मैं हटा ही देती हूँ। अब यहाँ से आप देखेंगे मैंने क्या किया, यहाँ पे मोर सेंड ऑप्शन पर मैंने क्या किया, क्लिक किया, यहाँ पे शेड्यूल सेंड आ रहा है। तो फिर यहाँ पे आप देखोगे आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो, आपका जो भी मैसेज है आप क्या कर रहे हो, लाइक वो मैसेज को आपको आज नहीं भेजना है, लाइक अगर आपको कल 8 बजे करना है आप वो भी कर सकते हो, टुमारो आफ्टरनून में भेजना है वो भी टाइमिंग दिया आपको, मंडे मॉर्निंग भेजना है वो भी दिया है, या फिर आज आपको किस टाइम पे भेजना है, लाइक आज क्या है, आज 7th है, 7th अप्रैल, फिर टाइमिंग आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे 1942 आ गया, तो सपोज मैंने डाल दिया शेड्यूल एंड सेंड। तो फिर ऐसा शेड्यूल एंड सेंड करने के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने 4-5 दिन पहले ये मैसेज बना के रखा है, या फिर 1-2 दिन पहले जब आपको टाइम मिला आपने क्या किया, उसको ड्राफ्ट करके रख लिया है, उसको शेड्यूल कर दिया आपने उस मेल को, तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका मेल सेंड हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था फर्स्ट फीचर, आई होप आपको क्लियर आया होगा। इसमें हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट का मैंने क्या किया, एक लेबल क्रिएट किया। लेबल क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, उसको उस मेल उस लेबल के थ्रू मैंने क्या किया, उस मेल को सेंड किया। वहाँ पे मैंने जीमेल आईडी किसी का भी वहाँ फ्रेंड टाइप नहीं किया, और वहाँ पे एक और भी ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया, शेड्यूल आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लाइक आपको आपको जब नेसेसरी आपको जब सेंड करना है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उस टाइमिंग को भी शेड्यूल कर सकते हो। तो फ्रेंड ये था फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर हम देखते हैं फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि लाइक आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो कंपनी का बॉस जो है वो आपको सारे ऑथेंटिकेशन मेल आपके मेल पे ही आपको सेंड करता है। तो सपोज आपको किसी अर्जेंट बेस पे आपके किसी एम्प्लॉय का फोन आ गया कि कोई और कंपनी है, क्योंकि आप वहाँ के मैनेजर हो या फिर आप ही सारी कंपनी के साथ डील करते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके मेल पे आया है और वो अर्जेंट प्रिंट आउट चाहिए, बट फ्रेंड आप वहाँ पे एक्सेस नहीं हो, आप वहाँ पे दे नहीं सकते। तो ऐसे भी अगर आपको क्या करना है, आप अपने एम्प्लॉय को आप अपना जीमेल शेयर कर सकते हो विदाउट अपना पासवर्ड उनको बताए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, हमें डर क्या होता है, अगर हमने अपना पासवर्ड किसी और को दे दिया जीमेल आईडी के साथ, तो वो पर्सन उसका कोई भी मिसयूज कर सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे भी एक और ऑप्शन है जीमेल में विच इज़ वेरी गुड, जो आप फ्यूचर में भी यूज करोगे। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है, मुझे मेरा जीमेल अकाउंट दे देना है विदाउट मेरे पासवर्ड बताए, वो विदाउट पासवर्ड के एक्सेस मेरा जीमेल कर सकता है। बट मुझे उसके बाद क्या करना होगा, जैसे उसका काम हो जाएगा, जैसे वो प्रिंट आउट ले लिया, फिर जो भी उसका काम था मेरे जीमेल से, वो काम होने के बाद मैं क्या करूँगी, उस पर्सन को मैंने जो एक्सेस दे के रखा था वो एक्सेस क्या करूँगी, मैं हटा दूंगी। तो फ्रेंड इसके लिए कहाँ जाना है, मुझे सेटिंग में जाना है, यहाँ पे जो आइकॉन बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेटिंग। जैसे मैंने वहाँ पे थोड़ा सा रखा, आपने देखा यहाँ पे क्या आ गया, सेटिंग क्लिक किया आ गया। तो फ्रेंड यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट्स एंड इंपोर्ट्स में जाना होगा हमको। यहाँ पे लोड हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर लिख के आ रहा है जनरल लेवल्स इनबॉक्स अकाउंट्स एंड इंपोर्ट्स में गया, बिकॉज मुझे अकाउंट ही किसी को एक्सेस करना है। देन फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेस टू यू एक्सेप्ट। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट्स देख रहे हो आप, और मुझे क्या करना है, ग्रांट एक्सेस टू अनदर अकाउंट। ग्रांट एक्सेस मतलब क्या होगा, मैं मेरे अकाउंट का एक्सेस किसी और को दे रही हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है, मुझे ग्रांट एक्सेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एड अनदर अकाउंट। तो फ्रेंड जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, उस पर्सन का ईमेल आईडी डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, मेरा अकाउंट एक्सेस करेगा।
हाँ पे उस पर्सन पे आपको ईमेल डालना है, देन आपको क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, सेंड ईमेल टू ग्रांट एक्सेस। मैंने क्या कर दिया, हमको एक मेल सेंड कर दिया है जहाँ पे दिखा रहा है कि ऑलरेडी क्या है एक्सेस है। तो फ्रेंड आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, सेंड ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है, मैं दूसरे को ये ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने कोई एक और ईमेल आईडी ले लिया है जो मेरा अकाउंट, जो पर्सन क्या कर सकते हैं मेरा अकाउंट एक्सेस कर सकता है। डोंट वरी फ्रेंड, इसको बाद में मैं क्या कर सकती हूँ, वो अथॉरिटी मैं ले सकती हूँ, ग्रांट जो मैंने एक्सेस किया था उसको क्या करूँगी, ग्रांट एक्सेस मैं उसको नहीं दूंगी। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक और ईमेल आईडी लिख लेती हूँ। आप जैसे वहाँ पे उस पर्सन का ईमेल आईडी आप एक्सेप्ट करोगे, वहाँ पे आपको उस पर्सन को मेल जाएगा और वो पर्सन क्या करेगा इजी आप। तो फ्रेंड आपको बता रही थी जीमेल में आप अपना अकाउंट कैसे किसी को एक्सेस कर सकते हो, ग्रांट कर सकते हो। उसके बाद जैसे उस पर्सन का काम हो जाएगा आप क्या कर सकते हो, बता रही थी कि लाइक आप क्या करोगे, उस एम्प्लॉय को अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए दे सकते हो, उसको ग्रांट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट जैसे उसका वर्क हो जाएगा आप उसको क्या कर सकते हो, उससे वो एक्सेस वापस ले सकते हो। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा एरर आ गया था बीच में। तो फ्रेंड इसके लिए हमको कहाँ पे जाना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड हमको ये लोड हो रहा है, अकाउंट एंड इम्पोर्ट में जाना है। अकाउंट एंड इम्पोर्ट में जाने के बाद आप देख रहे हो फ्रेंड यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑलरेडी मैंने एक्सेस देख के रखा है मेरे अकाउंट को। यहाँ पे मैं एक और ईमेल आईडी डाल देती हूँ जिसपे एक्सेस रहेगा। एंड फ्रेंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना होता है, देन फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा सेंड ईमेल टू ग्रांट एक्सेस। सो फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड। इट मीन्स जैसे मैंने क्या किया, उस पर्सन को एक्सेस करने के लिए क्या कर दिया, मैंने वहां पे रिक्वेस्ट भेज दिया, आपने यहाँ पे देखा है। तो वो पर्सन क्या करेगा, वहां पे जाके मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करना मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड, उसने मुझे परमिशन दे दिया है कि मैं उसके अकाउंट को क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। और एल्स अगर उसने उसको डिक्लाइन कर दिया, उसने मेरा अगर एक्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, मुझे एक्सेस नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड इसके थ्रू क्या कर सकते हो, लाइक सपोज अगर आप आउटसाइड भी हो बट अगर किसी आपके एम्प्लॉई को या फिर किसी पर्सन को आपका अर्जेंट बेस पे जीमेल यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अकाउंट एक्सेस करवा सकते हो, अकाउंट एक्सेस का उसको ग्रांट दे सकते हो। तो फ्रेंड ये था सेकेंड फीचर। फ्रेंड अब हम देखेंगे, मैं फिर से सेम जीमेल में आ जाती हूँ, यहाँ पे आगे मैं नॉर्मल टाइम में। अब फ्रेंड हम देखेंगे कि लाइक सपोज आपके पास ऑलरेडी 3-4 क्या होगा, जीमेल अकाउंट होगा आपके पास, ईमेल आईडी 3-4 होगी। बट फ्रेंड सडनली हो सकता है आपके ऑफिस में कुछ अनाउंसमेंट आ जाए कि लाइक आपको एक ही जीमेल रखना है, एक ही जीमेल रखना है इन द सेंस आपको एक ऑफिशियली कोई जीमेल, आपका ईमेल आईडी और जीमेल आईडी बनाना होगा। और आपको टेंशन हुआ कि लाइक आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, आपको आपके दोनों अकाउंट जितने भी आपने अकाउंट बना के रखे आपको उस अकाउंट में जाके लॉग इन करके आपको बार बार उसके भी मैसेज रीड करने होंगे। एंड बट ऑब्वियसली ये तो कंपल्सन है क्योंकि ऑफिशियली आपने बना के रखा है, तो इसका भी क्या करना होगा, आपको मैसेज रीड करना होगा। तो लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजन और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड इसके लिए भी जीमेल में हमारे क्या एक न्यू टेक्निक है, वो टेक्निक हम देखते हैं क्या है। सिंपल सा क्या होता है, आपके जो ओल्ड आपने ईमेल आईडी बना के रखी है उसको आप न्यू आईडी के साथ क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट आपको जो ईमेल आईडी अभी रन करना है, जो आपको लाइक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी है जिसके ऊपर आपको काम करना ही करना है, उसके साथ साथ आपकी जो पहले की भी जो ईमेल आईडी थी आप उसके भी मैसेज एट ए टाइम सेम ईमेल पे पढ़ सकते हो। तो फिर यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक और एक्सेस देके रखा है, सो दैट हमारा अगर एक्स्ट्रा हमारे पास 2 या 3 ईमेल आईडी है, या फिर सपोज आपके पास ऑलरेडी एक ईमेल बना हुआ है और आपको एक न्यू जनरेट करना है और आप चाहते हो कि उस न्यू वाले पे आपको आपका ओल्ड वाला मैसेज भी दिखाई दे, तो फ्रेंड वो भी हम जीमेल में कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसको कैसे कर रहे हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगेन फिर हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जनरल आ गया, लेबल आ गया, इनबॉक्स आ गया, अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट्स आ गया। तो फ्रेंड हमको यहाँ पे क्या जाना है, फॉरवर्डिंग एंड POP and IMPS लिखा है, तो फ्रेंड इस पे हमको क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो फॉरवर्डिंग में आ रहा है एड फॉरवर्डिंग एड्रेस, मतलब इस अकाउंट के साथ साथ मुझे और किसका अकाउंट दिखाई देगा, लाइक मैंने जो एड किया वहां पे वो भी क्या हो जाएगा, लाइक मुझे इसी अकाउंट में मेरे दोनों ईमेल आईडी दिखाई देंगे, दोनों ईमेल आईडी के मैसेज आ जाएंगे।
फ्रेंड मैंने इसको क्या कर दिया, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड आ रहा है फॉरवर्डिंग मेल टू, एक ईमेल आईडी दिया है मुझे, इसको क्या करना है यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो फ्रेंड प्रोसीड करने के बाद अब क्या हो गया, मुझे यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, मैंने इसको क्या कर दिया ओके कर दिया। और अगर अगर फ्रेंड आपको इसको फॉरवर्डिंग नहीं करना है तो मुझे फिर से कहाँ जाना है, सेम उसी में जाना है, एड फॉरवर्डिंग मैंने जो करके रखा था वहां पे मैं क्या करूंगी, मैं मेरे अकाउंट से क्या करूंगी उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और देखो यहाँ पे जा चुका है, बट वहां पे जब तक मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, वो पर्सन जिसको मैंने भेजा है अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं यहाँ पे फॉरवर्डिंग भी नहीं कर सकती, वो पर्सन एटलीस्ट वो मेरा ईमेल आईडी है तो मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं उसको वेरीफाई करना भी है या फिर नहीं करना है। तो बढ़िया हमारा थर्ड फीचर्स था जहाँ पे क्या था, ऑलरेडी अगर हमारे पास ईमेल आईडी बना हुआ है बट हमने कोई न्यू क्रिएट करके रखा है और हमको न्यू वाले पे ही हमारा ओल्ड वाले का भी एक्सेस आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है फ्रेंड, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सेटिंग में जाके हमको क्या करना होता है, फॉरवर्डिंग एंड पीओएमपी पे क्लिक करके यहाँ पे एड फॉरवर्डिंग में जाके हमको वो ईमेल आईडी क्या करना होता है, लिखना होता है फ्रेंड। ये था थर्ड फीचर। अब फोर्थ देखते हैं फ्रेंड, सपोज आप किसी वैकेशन पे गए हो, वैकेशन बड़ा वैसे अगर आप वैकेशन पे जाते हो तो लाइक आपको भी लगता है कि वैकेशन आपका जो भी हो वो अच्छा अच्छे से जाए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्ट्रैक्शन ना है, आपको बार बार ऑफिस से कॉल ना आए किसी वर्क को लेके। तो सपोज फ्रेंड आप वैकेशन पे गए हो और आपको बार बार उस वैकेशन के ड्यूरेशन में क्या रहा है, ईमेल आ रहा है, और बड़ा वैसे अगर आपको ईमेल आ रहा है तो आपको रिप्लाई भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड सिंपल सा क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, जब भी आप वैकेशन पे जा रहे हो तो हमारे जीमेल में क्या होता है एक और एक्स्ट्रा फीचर्स होता है जहाँ पे आप एक डेट मेंशन कर सकते हो कि आप सो एंड सो डेट से यहाँ पे कहीं हॉलीडे और वैकेशन पे जा रहे हो, तो लाइक वो डे की आने के बाद ही क्या होगा आप उस मेल का क्या करोगे, रिप्लाई करोगे। तो फ्रेंड हम देखते हैं उसके लिए क्या करना होगा, अगेन हैव टू गो टू द सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हमको जाना है जनरल में, जनरल में आप देख रहे हो जनरल में एकदम नीचे आप जाएंगे फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फ्रेंड आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, नीचे में जाने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, सेंड एज ऑटोमेटेड रिप्लाई इनकमिंग मैसेज इफ कॉन्टैक्ट सेंड यू सेवरल मैसेज दिस ऑटोमेटेड रिप्लाई विल बी सेंड। यहाँ पे क्या होगा, ऑटो रिप्लाई आपको चाहेगा कि लाइक आप सो एंड सो डे से क्या हो यहाँ पे नहीं हो तो आप बाद में उसको रिप्लाई करोगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमको क्या करना है, ऑटो ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई ऑफ था, पहले हमको क्या करना है इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद सपोज आप कब से हॉलीडे पे जा रहे हो, सपोज आज 7th है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 7 to 19 अप्रैल में यहाँ पे नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे फ्रेंड, 7 to सपोज ठीक है यहाँ पे ऑलरेडी आ गया 14 अप्रैल तक, तो मतलब 7 to 14 अप्रैल तक मैसेज जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ ऑन लीव, लिख दिया मैंने ऑन लीव लिख दिया, यहाँ पे कोई भी मैसेज हाय हेलो जो भी था जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी मैसेज डाल सकते हो। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे Only send a response to people in my contact, like जो पर्सन मुझे कॉन्टैक्ट करेगा उनको ये जाएगा, मैंने क्या कर दिया फ्रेंड यहाँ पे सेव चेंजेस कर दिया, सो दैट ये टाइम के ड्यूरेशन में जो भी पर्सन मुझे क्या करेगा कॉल करेगा या फिर लाइक नॉट अ कॉल, जो पर्सन मुझे मेल सेंड करेगा, मैंने ऑलरेडी आ लिया कि मैं स्वयं सो डेट से गया हूँ, लीव पे हूँ, लीव के आने के बाद मैं क्या करूँगी आपको कॉन्टैक्ट करूंगी। अगर आप लीव से आ जाते हो तो लीव से आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस आपको वहाँ पे जाना है, सेटिंग में जाना है, जनरल में मैंने आपको बताया था जनरल में एकदम नीचे है वो, जिसको मैंने ऑन किया था फ्रेंड मुझे क्या करना है यहाँ पे ऑफ करके रखना है, अभी ऑफ हो गया तो अल्टीमेटली इट मींस मैं यहाँ पे आ गई और मुझे कोई भी मैसेज कर सकता है, ऑफ करने के बाद आप क्या करोगे सेव चेंजेस कर दिया फ्रेंड। तो ये था फोर्थ फीचर। और फ्रेंड हम देखते हैं हमारे जीमेल में बहुत सारे लेबल बने हुए हैं, बहुत सारे लेबल बने हुए, लेबल इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आप प्राइमरी सेक्शन दिखा रहा है, सोशल दिखा रहा है, प्रमोशन दिखा रहा है, ऐसे तीन लेबल यहाँ पे बने हुए हैं। तो फ्रेंड सपोज कुछ कुछ क्या होगा, लाइक सपोज आपको बहुत सारे यहाँ पे मेल आ रहे हैं, सपोज ये क्या है, ये यूट्यूब क्रिएटर का कुछ तो एक मेल आ रहा है, तो फ्रेंड सपोज ऐसा ये मेल मुझे प्राइमरी में ना देख के मुझे अगर सोशल में डालना है लाइक, तो इससे क्या होगा कि लाइक इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, इसको मुझे यहाँ से ड्रैग ड्रैग करके ड्रैग एंड
ड्रॉप, देखो यहाँ पे दिखा रहा है मूव वन कन्वर्जन, मैंने किसमें ड्रॉप कर दिया, सोशल में। तो आपने देखा जो यूट्यूब का था, अभी यूट्यूब का एक भी जो भी यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा मुझे, लाइक वो तो अलग ही था, तो वो मैसेज मुझे कहाँ पे अब आ जाएगा, यूट्यूब क्रिएटर का जो भी मैसेज अभी मुझे कहाँ पे, क्रिएटर यूट्यूब क्रिएटर का जो भी मैसेज मुझे किसका आएगा, सोशल में आ जाएगा। आपको फिर से दिखा देती हूँ, सपोज यहाँ पे एक और यूट्यूब का है, मैं इसको क्या करूंगी, ड्रैग करके किस में दे दूंगी, सोशल में। तो फ्रेंड अभी आपने देखा यहाँ पे यूट्यूब का एक भी मैसेज नहीं है, एक था यूट्यूब क्रिएटर और एक था ओनली यूट्यूब। तो अभी दोनों जो भी मैसेज है वो मुझे यूट्यूब के जो भी रिलेटेड मैसेज होंगे फ्रेंड वो मुझे सोशल में दिखाएगा इंस्टेड ऑफ प्राइमरी, तो मुझे प्राइमरी में अभी यूट्यूब का नहीं आएगा। तो फ्रेंड ऐसे करके आप अपने मेल को सेग्रीगेट भी कर सकते हो कि लाइक आपको वो मेल आपको किस लेवल में चाहिए, वेदर वो प्राइमरी में चाहिए या फिर सोशल में चाहिए या फिर प्रमोशनल में चाहिए। सो फ्रेंड ये था हमारा फिफ्थ वन, आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। सिंपल सर आपके कैटेगरी में आपके मेल प्राइमरी में बहुत सारे मेल अननेसेसरी भी आ जाते हैं, तो हमको क्या करना है उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपको सोशल में चाहिए फिर प्रमोशन में चाहिए, सो दैट आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप क्लियर होगे कि लाइक सपोज फ्लिपकार्ट है, यूट्यूब है या फिर अमेजोन, जो भी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखा है, तो उसके रिलेटेड जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा, सोशल में आएगा या फिर प्रमोशन में आएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फ्रेंड अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर का, ड्रैग एंड ड्रॉप आपने देख लिया। हाँ तो फ्रेंड कभी कभी क्या होता है, गलती से आपको एक नॉर्मल मैसेज लिख रहे हो, मैसेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ बट वो सेंड हो जाता है क्योंकि आपने टू में ऑडिट क्या करके रखा है, जीमेल डाल के रखा है, मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ गया या फिर वो बाय मिस्टेकली किसी और को सेंड होने जा रहा है। तो एक बार मैसेज सेंड आपने सेंड का ऑप्शन हो गया, फिर सडनली आपको याद आ रहा है मैंने ये पॉइंट जो लिखना है वहाँ पे मैं भूल गया या फिर भूल गई, तो आप उसको ऑटो मतलब उसको आप फिर से चेंजेस कैसे कर सकते हो, तो ये भी फीचर्स यहाँ पे है। लाइक मिस्टेकली अगर आप अननोन पर्सन या फिर किसी पर्सन को सेंड कर देते हो तो आपको अंडू कैसे होगा, वो मैसेज आपको अंडू कैसे होगा, तो फ्रेंड उसके लिए हम देखते हैं हमको क्या करना है। यहाँ पे अगेन हमको कहाँ जाना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड हमको यहाँ पे जनरल सेटिंग में आप गए, जनरल सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे अंडू सेंड आ रहा है, अंडू सेंड सेंड कैंसिलेशन पीरियड, तो यहाँ पे जितना हो सके आप ज्यादा टाइम रखो, ज्यादा कितना है यहाँ पे फिर 30 सेकेंड, मतलब क्या होगा यहाँ पे 30 सेकेंड्स में आपको अंडू मैसेजेस आ जाएगा, इट मीन्स आपने मैसेज सेंड कर दिया तो बेटी ना 30 डेज सेंड होने के टाइम आपके पास वहाँ पे अंडू करके लिख के आ जाएगा। तो फ्रेंड ये हो गया, इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सेव चेंजेस कर दोगे, आप कोई भी काम करने के बाद उसको क्या करोगे सेव चेंजेस करोगे। फ्रेंड इसको हम देखते हैं इसका ये वर्क कैसे करेगा। हम लोग कंपोज मेल में आ गए, सबसे पहले हम लोग बैक कर लेते हैं। ओके यहाँ पे सपोज मैंने कोई भी एक मेल लिखा, अब देख अगेन मैं बार बार टाइम पास ही डालूंगी बिकॉज मेरा कोई इंटेंशनली काम नहीं था यहाँ पे, मैंने जस्ट लिखा है। सपोज फ्रेंड मैंने यहाँ पे हाई के बाद कुछ लिखना ही भूल गई और मैंने उसको क्या कर दिया सेंड कर दिया, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे लिख के आ रहा है मैसेज अंडू, तो मैंने तुरंत क्या कर दिया इसको अंडू कर दिया, तो मतलब ये क्या होगा मैसेज अभी तक यहाँ पे क्या होगा डिलीवर नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा पूरा मैसेज करने के बाद मैं उसको क्या करूंगी सेंड कर दूंगी, सेंडिंग अंडू आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी करेक्शन करके भेजूंगी मैं। फ्रेंड मैंने क्या कर दिया इसको सेंड कर दिया, तो फ्रेंड ये था। अगर आप गलती से कोई मैसेज सेंड कर दो तो यहाँ पे देखिए फिर से आ रहा है अंडू, 30 सेकंड तक आपको वहाँ पे अंडू का टाइम आप अपने हिसाब से बता सकते हो, 30 सेकंड 5 सेकंड जो भी चाहिए, अब करने के बाद वो क्या हो जाएगा आपका मैसेज सक्सेसफुल सेंड हो जाएगा, मतलब आप उसको अंडू कर सकते हो। फ्रेंड अब हम देखते हैं कि लाइक एक और न्यू फीचर्स देखते हैं हम नेक्स्ट वन, कि लाइक आपके ईमेल पे और भी किसी का ईमेल आना चाहिए आपके साथ साथ, आपके पास जो भी ईमेल है वो ईमेल आपके साथ साथ किसी और के ईमेल आईडी पे भी जाना चाहिए सेम ईमेल, तो आप वो क्या करोगे लाइक इंस्टेड ऑफ उसको फॉरवर्ड करने से बेटर आप क्या करोगे सेटिंग का यूज कर लोगे। एक और फीचर है इसमें, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज आपके पास आपके ईमेल आईडी पर कोई एक ईमेल आने वाला है, आप उसको फॉरवर्ड करोगे या फिर आप चाहते हो कि ये सेम ईमेल किसी और ईमेल आईडी पे भी जाए, तो अगेन उसके लिए हमारे पास सेटिंग है। फिर यहाँ पे भी हमको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अगेन फॉरवर्डिंग एंड पॉप में जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मुझे क्या करना है एड फॉरवर्डिंग, यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी डाल के मुझे क्या करना है यहाँ पे सेंड करना है। सेंड आप नेक्स्ट जैसे ही करोगे वहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोसीड हो जाएगा, तो ये भी एक था। प्लीज स्पेसिफाइड ईमेल आ रहा है, एक और ईमेल यहाँ पे डाल देती हूँ। ये
ऑलरेडी जा चुका है क्योंकि मैंने सेम ईमेल आईडी लिया था, बट फ्रेंड आपको जो भी करना होगा यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे, ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको वहाँ पे प्रोसीड करके आएगा, देन इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका ईमेल उसके साथ साथ उस ईमेल आईडी पे भी जाएगा। अब फ्रेंड हम देखते हैं एक और न्यू फीचर के बारे में। तो फ्रेंड हम देखते हैं एक और एडिशनल न्यू फीचर्स के बारे में, वो फीचर्स क्या है। फ्रेंड आपको याद होगा आपके पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मेल आते हैं, और आपको हर एक का मेल देखना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ता है, फिर से आप क्या करोगे यहाँ से बैक जाओगे, फिर से न्यू मेल पे क्लिक करोगे, फिर आपको दिखाई देगा, फिर से आप बैक जाओगे। तो इसके लिए मेरे पास फ्रेंड एक ऑप्शन है जिसका आपको आप जस्ट ऐसे ही करोगे तो साइड में क्या हो जाएगा आपका मेल ओपन हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो फ्रेंड इसके लिए हमको ये अगर आपका ये ओल्ड वर्जन होगा तो आपको पता लाइक वहाँ पे एक सेटिंग था, सेटिंग में आता था लैब करके ऑप्शन, बट ये मेरा न्यू वर्जन है तो वहाँ पे लैब ऑप्शन नहीं होगा, आप ये भी देख सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक किया, सेटिंग पे जैसे ही जाएंगे जिसका ओल्ड वर्जन होगा अभी भी यहाँ पे एक लैब्स करके लिख के आता था, लैब्स का स्पेलिंग था LABS लैब्स करके आता था, उस पर क्लिक करना पड़ता था हमको। बट फ्रेंड यहाँ पे मुझे कहाँ जाना है, इनबॉक्स में जाना है। इनबॉक्स में जाने के बाद फ्रेंड आप देख रहे हो यहाँ पे रीडिंग पैन करके आएगा, इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे जैसे यहाँ पे क्या आ गया रीडिंग पैन आया, इसको आप एनेबल कर दोगे, एनेबल रीडिंग प्लान, एनेबल रीडिंग पैन कर दिया आपने, देन आप क्या करोगे राइट ऑफ इनबॉक्स को कर दो क्योंकि इनबॉक्स का ही हमको देखना है, देन आप इसको क्या करोगे सेव एज कर दोगे, सेव चेंजेस आपने किया, यहाँ पे रिफ्रेश होके आपका फिर से होगा तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं फ्रेंड, ये थोड़ा शॉर्टकट में आ गया। तो फ्रेंड यहाँ से आप देख सकते हो आपको वर्टिकल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, जैसे भी चाहिए, साइड में आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ओपन हो जाएगा, आपने देखा यहाँ पे ये भी ओपन है तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप इनबॉक्स के सारे मैसेजेस आप साइड में ओपन करके देख सकते हो। तो फ्रेंड ये था एक और न्यू और सबसे बेस्ट फीचर्स जीमेल के अंदर कि आपको एक एक पे क्लिक करके बैक जाने की जरूरत नहीं है, आपने जैसे क्लिक करोगे साइड में आपका मैसेज क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, फिर से आपको सेकंड पे क्लिक करना है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैक। अगर आपको सेटिंग हटाना है तो फिर से सेम प्रोसेस, आपको कहाँ जाना है यहाँ पे फ्रेंड सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद जनरल नॉट जनरल सेटिंग में जाने के बाद हमको इनबॉक्स में जाना है। इनबॉक्स में मैंने क्या बताया था फ्रेंड आपको रीडिंग पैन को जो मैंने चेक किया था, जिसको एनेबल किया था उसको क्या कर दिया मैंने अनचेक कर दिया फ्रेंड यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको सेव चेंजेस कर दिया, तो आपका नॉर्मल आ जाएगा। अगर आपको ये एक्सेस करना है आपके जीमेल पे तो आप उसको ये एनेबल करके रख सकते हो रीडिंग पैन में जाके, जिसका ओल्ड वर्जन होगा वहाँ पे वो लैग कर देगा। फ्रेंड अब हम लास्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं, लाइक जीमेल में भी कुछ शॉर्टकट कीवर्ड्स हैं, पर जीमेल क्या कर रखा है उसको डिसेबल करके रखा है, अगर हमको उस शॉर्टकट की को यूज़ करना है तो उसको हम इनेबल कर सकते हैं। तो बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हैं, मैं आपको आज उन्हीं दो के बारे में बताऊंगी। तो फिर लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं इसके लिए क्या करना है, आगे हमको कहाँ कोई भी चेंजेस आपको करना है तो बड़े ओवर से हमको कहाँ जाना होता है सेटिंग में, तो हम कहाँ जाएंगे यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड हमको जाना है जनरल टैब, जनरल टैब तो ऑलरेडी ओपन ही है, यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिखाई देगा क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं शॉर्टकट्स यूज करने वाले हैं। फ्रेंड आप देख रहे हो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या है शॉर्टकट्स को ऑफ करके रखा है। फ्रेंड मैंने इसको क्या कर लिया शॉर्टकट्स को जस्ट आपको ऑन करना है, ऑन करने के बाद आप क्या करोगे थोड़ा वैसे जो भी आपने चेंजेस करो लास्ट में आपको सेव करना पड़ेगा, मैंने सोचा कर दिया सेव चेंजेस कर दिया, सो इट मीन गूगल का जो जीमेल का जो भी शॉर्टकट कीवर्ड्स था वो क्या हो गया अभी ऑन हो गया है, जो कि जीमेल ने पहले क्या करके रखा था ऑलरेडी उसके सेटिंग में क्या होता है वो बंद होता है। सो फ्रेंड मैंने वहां पे क्या किया था जीमेल का कीवर्ड मैंने शॉर्टकट कीवर्ड मैंने क्या किया था कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने ऑन कर दिया था, तो अब हम उसका थोड़ा सा शॉर्टकट देखेंगे। सपोज अगर मैंने ओनली
सी प्रेस किया, आपको क्या करना है, ओनली सी आपके कीबोर्ड पे ओनली सी सी टच करना है, सी प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इटनेस क्या हो जाएगा, कंपोज मतलब न्यू ईमेल लिखने के लिए आ जाएगा। मैं आपको फिर से दिखा रही, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जस्ट आपको क्या करना है, लैपटॉप या फिर जो भी आपको ओपन करके रखना है वहाँ पे जस्ट सी प्रेस करना है कीवर्ड ऑन करने के बाद। तो सी में आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी कंपोज का ओपन हो गया है। सेकेंड हम देखते हैं फिर यहाँ पे क्या करना है हमको, सॉरी इसको ओपन ही रखते हैं। सी को मैंने क्या किया यहाँ पे ओपन करके रखा है, ओनली जस्ट सी प्रेस किया तो यहाँ पे कंपोज आ गया। कंपोज करने बाद कोई भी मैंने एक ईमेल यहाँ पे लिख दिया, सपोज मैंने मेरा ही डाल के रख दिया है। सब्जेक्ट मैंने आपको बार बार बताया कि मैं टाइम पर से लिखने वाली हूँ, बिकॉज पर्पसली मैं इसको नहीं कर रही। कोई भी मैसेज मैंने फिर यहाँ पे क्या किया, हाई लिखा। देन फ्रेंड इंस्टेंट ऑफ सेंड बटन पे क्लिक करने के बजाय मैं अगेन क्या कर सकती हूँ, अगर मैंने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया तो ये ईमेल मेरा क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। आप देखेंगे मैंने क्या किया, सेंड बटन पे मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने क्या किया ओनली कंट्रोल देन एंटर किया। तो फ्रेंड आप देख रहे हो मेल क्या हो गया, ऑलरेडी सेंड हो गया। मैं आपको फिर से एक बार दिखा रही हूँ शॉर्टकट क्या है इसका, सी प्रेस करोगे तो कंपोज मेल क्या हो जाएगा ओपन। तो यहाँ पे आपको जिसको मेल भेजना उसका ईमेल आईडी आपको लिखना पड़ेगा। मैंने ये कर दिया, सब्जेक्ट्स लिख दिया मैंने टाइम पास, यहाँ पे कुछ मैंने लिख के रखा है। देन सेंड का बटन मैंने यहाँ पे प्रेस नहीं किया, फिर मुझे यहाँ पे क्या प्रेस, मैंने क्या प्रेस किया ओनली यहाँ पे कंट्रोल करके मैंने क्या किया एंटर किया। तो ऑलरेडी ये मैसेज आप देख रहे हो क्या हो गया, सेंड हो गया, क्योंकि मैंने सेंड पे वहाँ पे क्लिक नहीं किया था। यहाँ पे अगेन देखिए अंडू का आ रहा है, बिकॉज मैंने वो अभी तक 30 सेकंड का था वहाँ पे। तो फ्रेंड ये था आज का जीमेल का कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिटेड होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही,